जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट मुख्य परीक्षा में लेवल द्वितीय का जो है दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कल ही बोर्ड की तरफ से आ गया था और आप सबने देख भी लिया होगा। अब आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है वो हम सबको पता होना चाहिए, जैसे कि चेकलिस्ट अपडेट कौन सी है, साथ ही साथ सब घोषणा पत्र किस प्रकार हमें लेके जाना है, कौन से जिले के अंदर पोस्टल ऑर्डर ले रहे हैं, कौन से में नहीं ले रहे हैं, सब घोषणा पत्र कौन से जिले में अलग अलग वाले ले रहे हैं, कौन सा एक पेज में ले रहे हैं, चेकलिस्ट किस प्रकार से भरनी है प्रत्येक जिले में, इन सारी बातों को हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो जो भी लेवल टू से है उन सबको मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी आपके सारे नियम क्लियर हो पाएंगे। मैंने आज पूरे जो भी स्टूडेंट है जिनका लेवल वन का जो दस्तावेज सत्यापन, सबसे मैंने पूछ के एक डेटा तैयार किया है जिसमें आपके प्रत्येक जिले में क्या क्या रूल हैं वो मैंने लिस्ट बना के रखा है, तो वो भी मैं आपको यहां पे बता दूंगा। साथ ही साथ चेकलिस्ट कैसे भरोगे, सौ घोषणा पत्र आपके प्रत्येक सब के लिए मैंने रेडी कर लिए हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहेंगे आपकी ज्वाइनिंग तक। और आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे आपको चेकलिस्ट है, सब घोषणा पत्र है, सारी चीजें आपको मैं वहां पे पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो आपके जिले के अंदर क्या क्या रूल रहने वाले हैं वो इस प्रकार से मैंने तैयार किया, जैसे जयपुर का है, अलवर का है, मैं सारी चीजों पर चर्चा करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ सब घोषणा पत्र आपको किस प्रकार के से लेके करके जाने हैं वो भी मैंने यहाँ पे एकदम रेडी करके आपको मैंने दिए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है हमें, अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर करना, इसके बाद अगर आपके कोई भी इश्यू रह जाता है तो कमेंट में आप मेरे से जरूर पूछ सकते हो। तो अब वीडियो के अंदर हम शुरू कर लेते हैं अपने जो जिस काम के लिए ये वीडियो मैंने आपको दिया है उसके बारे में। तो काफी क्या है कि लेवल वन में मैं सभी स्टूडेंट को मैंने को बताना पड़ा था, सबको मैंने अच्छे से बताया, सारी चीजें अच्छे से सबकी लगभग हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने वापस मैसेज भी किया, धन्यवाद भी दिया, जो भी चीजें बताई सबका सही हुआ। तो अब मैंने ये सोचा कि सबको अलग अलग बताने से, क्योंकि थोड़ी सी उसमें परेशानी हुई थी, अलग अलग जिलों के अलग अलग नियम हो गए थे, तो मैंने आपके लिए क्या किया कि सभी नियम एक साथ इकट्ठे कर लिए, अब आपको एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के पास में। देखो चेकलिस्ट है वो अपडेट होकर आ गई है, कल है वो थोड़ी चेकलिस्ट सही नहीं थी, तो ये आपको चेकलिस्ट है, ठीक है। इसमें आपका जिले का नाम भरना है, रोल नंबर भरना है, विषय भरना है, साथ ही साथ आपके यहाँ पे आधार कार्ड का नाम, आधार कार्ड नंबर, पिता का नाम, जन्म तिथि, अनुसूचित क्षेत्र से हो तो ये यहाँ पे टिक कर देना, और गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो तो यहाँ पे आवेदन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, और यहाँ पे आपको कितनी शुल्क जमा करवाई वो, और यहाँ पे मेल और फीमेल, और आपका स्तर जो आपका जो माध्यम है बारहवीं का और स्नातक का वो आपका कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश, वो भरना है। अब देखो चेकलिस्ट है वो यहाँ पे आपको संख्याएं डालनी है, यहाँ पे जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रति सबके पास होती है तो यहाँ पे क्या लिखना है, हाँ लिखना है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो के अंदर पूरा देखेंगे कि आपके जिले में किस प्रकार डालना है। जैसे कई जिलों में ये होता है कि आवेदन प्रति के अंदर कितने पेज होते हैं, चार, तो उन चारों पे क्या होता है कि एक लिख दिया एक जगह बस काफी है, दूसरे पे स्क्रूटनी फॉर्म है उस पर दो लिख दिया, आधार पे तीन हो गए। ऐसे कुछ जिलों में ऐसे होता है कि जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रति इसमें चार पेज है तो चारों पे क्या लिखना है, एक एक एक, इस प्रकार से, ठीक है। और कुछ जिलों में ऐसा होता है जैसे एक आगे लिख दिया ए, फिर लिख दिया बी सी ऐसे, तो वह सारी चीजों पे हम चर्चा कर लेंगे, ये तो आगे की बात है। तो ये आपकी चेकलिस्ट है, आपने अच्छे से देख लियो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मैंने दे दी है, ठीक है। तो ये तो चेकलिस्ट को लेकर, अगर आपको भरना नहीं भी आता है तो मैंने पहले से लेवल वन के लिए वीडियो डाला था वो आप देख सकते हो, इसमें कोई बताने वाली बात भी नहीं है, नाम लिखने हैं सिर्फ और आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, ठीक है। ये तो जाती है चेकलिस्ट की बात। अब बात कर लेते हैं हम सौ घोषणा पत्र को लेकर, ठीक है। तो देखो सौ घोषणा पत्र मैंने कल आपको वीडियो दिया था शायद, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, लेकिन सभी के लिए जो मान्य हो, जैसे अनुसूचित क्षेत्र है, गैर अनुसूचित क्षेत्र है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है लेवल द्वितीय के अंदर, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, साथ ही साथ विशेष शिक्षा से हो, सारे प्रकार का जो भी आपके सौ घोषणा पत्र होने वो मैंने कंप्लीट इसमें करवाए। करवाना क्या है, ई मित्र वाले के पास चले जाना, मैंने ये पीडीएफ है वो ग्रुप में डाल दी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, इसमें 14 पेज है, 14 घोषणा पत्र है, तो वहां पर जाना, प्रिंट निकलवाना है, और उसके बाद में क्या करना है, पेन लेके बैठना, यहाँ पे आपका नाम, आपके पिता का नाम आ जाएगा या पति का नाम आ जाएगा, निवास स्थान आ जाएगा, और ये विज्ञप्ति वगैरह मैंने सही प्रकार से डाल ही दिए। और उसके बाद में अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हो तो यहाँ पे टिक कर देना, और अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो तो यहाँ पे टिक करना है, और आगे क्या लिख देना है, आपका विषय लिख देना। अब द्वितीय लेवल द्वितीय से अगर सामान्य जो आपका लेवल टू है तो ये कर देना है, और विशेष शिक्षा में कौन सा है तो इसमें जो भी आप करा है उस पर टिक कर देना है, और आगे आपका रिजल्ट किस दिन आया था वो भी यहाँ पे लिख देना है,
इस प्रकार से इन सभी को आपको क्या करना है, पेन से भरना है। धैर्य वाला हो गया, देखो मूल निवास को लेकर था, ये धैर्य के लिए पेन से भरने सभी के सभी, कोई प्रिंट वगैरह नहीं करवाना, ठीक है। संतान संबंधी सब घोषणा पत्र आ जाएगा, सबको पेन से भरवाना है। अब देखो कुछ जिलों में ये है कि इन ये जो अलग अलग है ना, ये वहां पे नहीं चाहिए, ठीक है। एक पेज में भी काम चलता है, ये आपराधिक रिकॉर्ड वाला हो गया, ठीक है ना। तो वो मैं हम आगे बात कर लेंगे, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये सारे के सारे मैंने इसमें उपलब्ध करवा दिए। ये धूम्रपान वाला रहा, कोई भी मैंने जो आपका सब घोषणा पत्र वो मैंने नहीं छोड़ा है। निष्ठा वाला हो गया, साथ ही साथ आपका सुविधा ये तलाकशुदा वाला हो गया, ये भी मैंने डाल दिया है, पुनर्विवाह नहीं करने से संबंधित। और विधवा के लिए जो विडो कैटेगरी से जो महिलाएं उनके लिए भी मैंने दे दिया है, साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैंने दे दिया है, ठीक है। तो किसी के लिए मैंने सब घोषणा पत्र है वो बाकी मैंने नहीं छोड़ा है। तो सभी को क्या करना है, इसको पेन से भरना है। 14 पेज है, ई मित्र में जाना, प्रिंट निकलवा लेना, पेन से भर लेना, बस इतना सा काम है। अपनी रिजल्ट की डेट लिखना है, विषय लिखना है, श्रेणी लिखना है, बस इतना सा काम है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो स्थान दिया है, यहाँ पे आपका जिले का नाम आ जाएगा, और दिनांक आप अपनी जो डीवी करवाने जाओ वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लिख लोगे, अच्छे से तैयार कर लेना। अब मैं आ जाता हूँ रूल के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा वही है कि कहीं पे पोस्ट लोडर ले रहे हैं, कहीं पे पोस्ट लोडर नहीं ले रहे हैं, कहीं पे आपके अलग अलग जो ये घोषणा पत्र है वो ले रहे हैं, और कहीं पर एक भी ले रहे हैं, ठीक है। एक में काम चल रहा है, जैसे देखो एक कौन सा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। जो एक सौ घोषणा पत्र है ना, वो ये वाला सौ घोषणा पत्र भी बहुत सारे जिलों में आपको चल रहा है, और चाहिए ही नहीं इसके अलावा, बस ये एक काफी है, ठीक है। तो ये भी मैंने ग्रुप में डाल दिया है। बहुत सारे जिले हैं ऐसे जिनमें ये एक चाहिए, बाकी अलग अलग की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए आपको परेशानी नहीं हो। मैंने प्रत्येक जिले का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया, वो हम देख लेते हैं। और बीच में एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे जो आप सब वीडियो देखते हो, अच्छी मैं न्यूज दे रहा हूं, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी अपने छोटे भाई बहन जो भी है तैयारी करें, उन सबको जरूर शेयर कर दिया करो चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाए। तो देखो अब हम प्रत्येक जिला स्तर पर बात कर लेते हैं कि आपके रूल क्या रहे हैं, ठीक है। सबसे देखो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके जिले की भी बारी आएगी। सब जिले मैंने 33 के 33 इसमें लिखे हैं, सबके अलग अलग नियम लिखे हैं कि आपको किस प्रकार से आपके दस्तावेज सत्यापन करवाना है, ठीक है। तो बारी आती है सबसे पहले जयपुर डिस्ट्रिक्ट की। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है कि चेकलिस्ट में क्रमांक कैसे लगाने हैं, जैसे देखो रीट के फॉर्म में कितने पेज होते हैं, 4 पेज होते हैं, ठीक है। जो अपना रीट आवेदन किया था ना मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें 4 पेज ही तो है, तो उसमें हमें क्या करना है, 4 पेज में पहले पेज में तो लिखना है 1A, दूसरे में लिखना है 1B, तीसरे में लिखना है 1C, और चौथे में लिखना है 1D, ये हो गए, ठीक है। और जो चेकलिस्ट में भरोगे जो बॉक्स है ना, ये भी मैं साथ साथ दिखा देता हूं, ये आपको बताना थोड़ा सा जरूरी है। यहां पे भरोगे तो क्या करना है, सिर्फ क्या लिखना है, 1 लिखना है, लेकिन अंदर जो पेज है उनपे मार्किंग किस प्रकार करना है, ये वाली मार्किंग करना, ठीक है। अब आ जाएगी स्क्रूटनी फॉर्म की बात, तो स्क्रूटनी फॉर्म कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। पहले पेज पे 2A, उसके बाद में 2B, उसके बाद में 2C, जितने भी पेज है वहां तक क्या जाना है आपको, ABCD लिखते जाना है। और यहाँ पे चेकलिस्ट में क्या भरना है, सिर्फ 2 ही भरना, ठीक है। ये आ रही है जयपुर जिले की बात, समझ में आ गया। पोस्टल ऑर्डर आपसे लिया जा रहा है जयपुर में, मैंने जहां तक सुना है कि पोस्टल ऑर्डर लिया जा रहा है, ठीक है। 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, जिनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो डेट से पहले का नहीं है। अब मैं ये बता देता हूँ सबको, आय प्रमाण पत्र को लेकर काफी सारी दिक्कतें हैं, आपको चाहिए 19-1 से पहले का, तो मैं आपको सबको कह देना चाहता हूं कि आय प्रमाण पत्र आप पीछे की डेट का बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो क्यों तो पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है हमें, और क्यों ही उनको पैसे देने हैं। सबको क्या करना है, पोस्टल ऑर्डर के लिए आय प्रमाण पत्र आप 19-1 से पहले की डेट डलवा लो, जैसे 10 जनवरी 2023 का डलवा लो, और वहां पे साइन वगैरह का करवा के लेके आओ। 4 पेज 4 पेज भर के, तो आप ऑफलाइन ही तो है, वो कौन सा ऑनलाइन है, उसमें डलवा के लेके जाओ, आराम से आपका डीवी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकर ही नहीं जाना किसी को, कोई भी जिले में, आप कोई भी जिले से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र 19-1 से पहले का है तो आपको कोई पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पीछे का डेट का बनवा लो यार, इतनी इतनी चीजें बन जाती है, एक ही तो चीज है। तो जयपुर में जो नहीं बनवा रहे हैं, जिन्होंने नया बनवा लिया, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर ले जाना है, 100 रुपए का पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र आपका पुराना है जो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नया बनवाया तो शपथ पत्र चाहिएगा आपको, ठीक है। साथ ही साथ अगर 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो आपको क्या करना है, 3 साल वाला शपथ पत्र आपको चाहिएगा, तो वो भी आप लगा देना। 3 साल वाला शपथ पत्र जो है ना, वो तो व्हाइट पेज पे, और अगर नया बनवाया है तो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखवाना है।
मूल निवास आपका नया और पुराना इसमें दोनों चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो मान लेंगे वो। सब घोषणा पत्र आप अलग अलग वाले लेके जाओ तो भी चलेंगे, ये वाले जैसे मैंने अलग अलग दिए ना ये वाले, और जो मैंने एक दिखाया था वो भी आप लेके जाओगे तो भी चलेगा, दोनों मान्य है। और मार्कशीट और डिग्री है वो दोनों चाहिए, जो भी आपकी दसवीं बारहवीं मार्कशीट वगैरह ना, तो आपकी डिग्री भी होनी चाहिए और मार्कशीट की फ्रंट कॉपी भी होनी चाहिए। ये बात हो जाती है जयपुर की। बाकी देखो सारे नियम है वही तो चेकलिस्ट में लिखा है आपको, वो लेकर जाना, आधार कार्ड है, आपकी सारी चीजें, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में हम बात करें अलवर डिस्ट्रिक्ट की, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, चेकलिस्ट बनना है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कैसे, जैसे आपके रीट फॉर्म के अंदर होते हैं चार पेज, तो इनमें क्या करना है, एक नंबर पे एक, दो और तीन और चार, तो रीट फॉर्म वाले पेज में कितने आ गए, एक से लेकर चार तक। अब आगे स्क्रूटनी फॉर्म कहां से शुरू होगा, ठीक है, यहां से शुरू होगा दो से, दो तीन चार पांच इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अलवर डिस्ट्रिक्ट से जो भी है ना वो आप कर सकते हो, एक से चार तो आपको भरने हैं किसमें, आपकी जो रीट फॉर्म है उसमें, और उसके बाद में इससे आगे वाले कौन किसमें भरने, स्क्रूटनी फॉर्म में। पोस्टल ऑर्डर अलवर में है वो नहीं लिया जा रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है, जाति प्रमाण पत्र के लिए वही रूल है, अगर आपका न्यू बनाया है तो ₹50 का शपथ पत्र, और अगर तीन साल दो साल एक साल से ज्यादा पुराना है तो तीन साल वाला शपथ पत्र व्हाइट पेज पे, और अगर आपका वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवास आपको नया और पुराना दोनों चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलवर में भी सब घोषणा पत्र एक पेज वाला लेके जाओगे तो भी चलेगा, और अलग अलग लेके जाओगे तो भी चलेगा। मार्कशीट और डिग्री दोनों साइड से चाहिए, ये सभी के लिए कॉमन है। उसके बाद में हम बात करें कोटा की, कोटा के अंदर चेकलिस्ट इस प्रकार से भरी जा रही है, आप समझ भी गए होंगे, जैसे चार पेज होते हैं रीट फॉर्म के अंदर, तो उसमें क्या भरना है, चारों पेजों में एक एक और एक, उसके बाद में स्क्रूटनी जो फॉर्म है उसमें दस पेज है जैसे, तो उसमें सब में क्या भरना है, दो 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 सब में, ठीक है। और पोस्टल ऑर्डर चाहिएगा कोटा के अंदर ₹100 का, जाति प्रमाण पत्र को लेकर वही नियम है, नया है तब तो ₹50 का स्टाम्प पर शपथ पत्र, और दो साल एक साल से ज्यादा पुराना है तो व्हाइट पेज पे शपथ पत्र, जो फॉर्मेट मैंने ग्रुप में दिया था। मूल निवास दोनों चल रहे हैं, नया व पुराना कौन सा भी हो, सब घोषणा पत्र एक पेज और अलग अलग दोनों ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद की बात करें हम दौसा जिले की, दौसा जिले के अंदर चेकलिस्ट एक एक, जो जैसे कोटा में मैंने बताया ना चार पेज है कोई भी फॉर्म है उसमें एक एक भरना है, स्क्रूटनी फॉर्म में दस है तो उसमें दो दो भरना है। अब आधार कार्ड की एक ही प्रति होती है तो उसमें तीन लिख देना सीधा, दसवीं की मार्कशीट एक होती है तो उस पर चार लिख देना, बारहवीं की एक होती है पांच लिख देना, इस प्रकार से। पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए, जाति प्रमाण पत्र को लेकर वही नियम है जो पहले में थे, नया है तो भी चलेगा, पुराना है तो भी चलेगा, शपथ पत्र चाहिए, मूल निवास दोनों चलेंगे, सौ घोषणा पत्र दौसा के अंदर एक पेज वाला ही मान्य है, वही ले जाना, मार्कशीट और डिग्री दोनों साइड से फोटोकॉपी। जोधपुर के अंदर क्या है, चेकलिस्ट तो उसी प्रकार भराया जा रहा है जैसे मैंने ऊपर बताया, एक एक एक, जो भी आपका रीट फॉर्म है चारों पेजों पे क्या होगा एक एक, स्क्रूटनी फॉर्म में दस पेज है तो सब पे दो दो, आधार कार्ड की एक ही प्रति है तो तीन, उसके बाद में दसवीं की मार्कशीट मांगेंगे तो उसपे चार। पोस्ट ऑर्डर जोधपुर में लेंगे, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र आपका नया पुराना जो भी है तो शपथ पत्र चाहिए, मूल निवास आपका नया और पुराना दोनों मान्य है, सब घोषणा पत्र आप एक पेज पे ले जाओगे तो भी माने और अलग अलग पे ले जाओगे तो भी माने। सिक्कर की हम बात करें तो सिक्कर के अंदर किस प्रकार से डलाया जा रहा है कि जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है जैसे दो पेज है तो उसमें एक दो, उसके बाद में आगे वाले में चार पेज है पांच पेज है दस पेज है तो उसमें तीन चार पांच, ऐसे क्रमांक क्रम से डालने। अब पोस्टल ऑर्डर कंपलसरी नहीं है, ले भी जा सकते हो नहीं भी ले जा सकते हो, जाति प्रमाण पत्र को लेकर वो सेम ही रूल है, मूल निवास नए पुराने दोनों मान्य है और सब घोषणा पत्र भी एक पेज वाला भी मान्य और अलग अलग भी मान्य। पाली जिले की हम बात करें तो चेकलिस्ट क्रमांक आपको एक दो तीन इसी प्रकार डालने हैं, जैसे आपका रीट का जो फॉर्म है ना उसमें एक आ जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म में दो आ जाएगा, आधार कार्ड पे तीन आ जाएगा। पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए, जाति प्रमाण पत्र नया पुराना दोनों माने, लेकिन शपथ पत्र मूल निवास भी दोनों माने, नया पुराना सब घोषणा पत्र एक पेज वाला भी ले जा सकते हो और अलग अलग भी ले जा सकते हो, दोनों माने। फाइल आपको नहीं लेकर जाना, खुद देंगे और मार्कशीट दोनों साइड से चलेगी। बाड़मेर की हम बात करें तो चेकलिस्ट वही एक एक दो दो, आप समझ गए होंगे अब कि पहले चार पेज है तो सब में क्या आ जाएंगे एक एक, और किसी में दस पेज है तो सब में क्या आ जाएंगे दो दो दो, इस प्रकार से, ठीक है, क्रम वाइज। और पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए, मूल निवास है नया पुराना दोनों मान्य है, सब घोषणा पत्र एक पेज पे या अलग अलग दोनों मान्य है। जूनियनों के अंदर आप बात करोगे तो क्या आएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात, मतलब रीट फॉर्म पे एक, स्क्रूटनी फॉर्म पे दो, आधार कार्ड पे तीन, इस प्रकार से। पोस्टल ऑर्डर चाहिए, जाति प्रमाण पत्र नया पुराना है तो शपथ पत्र, और मूल निवास नया और पुराना दोनों कंपलसरी है भाई, अगर आपने नया बनाया तो पिछला वाला आपको दिखाना पड़ेगा और अगर पुराना है आपके पास तो चलेगा।
सौ घोषणा पत्र एक पेज पे चाहिए और अलग अलग पेज पे आप जो आपका दोनों दोनों ले जा सकते हो आप इसमें दोनों में दोनों ले रहे हैं अलग अलग वाले भी और एक पेज वाले दोनों ही आपको लेकर के जाने ठीक है। क्रोली की हम बात करें तो क्रोली के अंदर क्या है चेकलिस्ट क्रमांक एक दो तीन चार ये तो आ जाएंगे किस पर रीड फॉर्म पे आ जाएंगे और ये क्या आ जाएंगे स्क्रिप्टनी फॉर्म पे आ जाएंगे फिर आधार पे आ जाएगा 16 और मार्कशीट दसवीं के पर आ जाएगा 17 ठीक है। पोस्ट लोडर नहीं चाहिए और जाति प्रमाण पत्र नया पुराना दोनों मान्य है लेकिन शपथ पत्र और मूल निवास भाई क्रोली में पुराना चाहिए नया वैलिड नहीं होगा। सौ घोषणा पत्र एक ही पेज पे चाहिए मार्कशीट दोनों साइड से। अजमेर की हम बात करेंगे तो चेकलिस्ट पे इस प्रकार से आपको क्रम डालना है रीड फॉर्म पे चार पेज होते हैं तो उनपे क्या करोगे 1A 1B 1C 1D स्क्रूटनी फॉर्म पे क्या जाएगा 2A 2B 2C पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए मूल निवास नया और पुराना दोनों ही मान्य है। सौ घोषणा पत्र एक पेज पे ले जाओगे तो भी मान लेंगे और अलग अलग ले जाओगे तो भी मान लेंगे दोनों ले जाओगे तो भी मान लेंगे ठीक है। जैसलमेर की आप बात करोगे तो जैसलमेर में चेकलिस्ट के अंदर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ मतलब रीड फॉर्म पे एक स्क्रूटनी फॉर्म पे दो और आधार पे तीन इस प्रकार से डालना है। पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए मूल निवास नया पुराना दोनों मान्य है। सौ घोषणा पत्र की आप बात करोगे तो एक पेज वाला भी चलेगा अलग अलग भी चलेगा और दोनों ही आपको लेकर जाने जैसलमेर में ठीक है। टोंक की बात करोगे तो चेकलिस्ट आपको इस प्रकार भरनी है रीड फॉर्म में चार पेज है तो इस प्रकार डालना है उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म पे दो से शुरू करना है और दस पेज है तो दो, दो, दस बार क्या लिखना है दसों पेजों पे दो 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 लिखना है। पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए मूल निवास नया पुराना दोनों चाहिएंगे भाई एक नहीं चलेगा पुराना है तब तो चलेगा लेकिन अगर आपका नया है तो पुराने वाला चाहिएगा। घोषणा पत्र कोई भी ले जाना दोनों अलग अलग भी ले जाना और एक पेज वाला भी ले जाना बाकी दोनों ही ले जाना। बीकानेर की आप बात करोगे तो चेकलिस्ट पे होना चाहिए इस प्रकार से एक से चार रीड फॉर्म पे कितने पेज हैं चार तो उसमें क्या जाएंगे एक दो तीन और चार स्क्रूटनी फॉर्म कहां से शुरू होगा पांच से। पोस्टल ऑर्डर चाहिए जाति प्रमाण पत्र को लेकर वही नियम है मूल निवास पुराना और नया दोनों ही चाहिए एक पेज वाला कंपलसरी है और अलग अलग भी आप ले जा सकते हो। तो बीकानेर में एक पेज वाला तो आपको सौ घोषणा पत्र तो चाहिएगा और साथ साथ में अलग अलग भी आपको चाहिए। बारह के अंदर चेकलिस्ट आपको किस प्रकार से भरना है इस प्रकार से जैसे रीट फॉर्म पे एक आ गया स्क्रूटनी फॉर्म पे दो आ गया इस प्रकार से। पोस्टल ऑर्डर चाहिए मूल निवास नया पुराना दोनों चाहिए सौ घोषणा पत्र अलग अलग होने चाहिए ठीक है। बूंदी की अगर हम बात करेंगे तो एक दो तीन चार जैसे रीट फॉर्म पे एक आ गया स्क्रूटनी फॉर्म पे दो आ गया इस प्रकार। पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए और मूल निवास नया पुराना दोनों सौ घोषणा पत्र अलग अलग मान्य है। भीलवाड़ा की हम बात करेंगे तो चेकलिस्ट आप समझ गए होंगे रीड फॉर्म पे चार पेज होते हैं तो चारों पे क्या आएगा एक एक और स्क्रूटनी फॉर्म पे दस पेज होंगे तो सभी में क्या आएगा दो 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 दो। पोस्टल ऑर्डर चाहिए ही नहीं मूल निवास है नया है तब तो आपको शपथ पत्र चाहिएगा और पुराना है तो शपथ पत्र चाहिए नहीं ठीक है और पुराना नहीं देख रहे वहां पे अगर नया है तो लेकिन शपथ पत्र मांगेंगे। सौ घोषणा पत्र किसी भी प्रकार का ले जाना एक पेज वाला और दो पेज वाला वो अलग अलग वाला सभी मान्य है। नागौर की हम बात करेंगे तो चेकलिस्ट इस प्रकार से लेके जाना है जैसे रीट फॉर्म में चार पेज है तो चारों पे क्या आ जाएगा एक से लेकर चार तक अंक आ जाएंगे स्क्रूटनी फॉर्म पे दस पेज है तो पांच से लेकर पंद्रह तक आ जाएंगे फिर आधार कार्ड पे सोलह। पोस्ट ऑर्डर चाहिएगा मूल निवास आपका नया है तो शपथ हालांकि पुराना है तो मान्य है। सौ घोषणा पत्र एक पेज और अलग अलग दोनों मान्य है। झालावाड़ की बात करोगे तो चेकलिस्ट के अंदर आपको इस प्रकार से क्रमांक डालना है एक तो आ जाएगा रीट फॉर्म पे दो आ जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म पे तीन आ जाएगा आधार कार्ड पे। पोस्टल ऑर्डर जरूरी नहीं है जाति प्रमाण पत्र आपे नया है तो कोई शपथ पत्र चाहिए पचास रुपए के स्टाम्प पे एक साल से ज्यादा पुराना है तो व्हाइट पेज पे आपका शपथ पत्र और अगर आपका वैलिड है तो आपको शपथ पत्र नहीं चाहिए और मूल निवास दोनों चाहिए और एक पेज और अलग अलग पेज पे आप सौ घोषणा पत्र ले जा सकते हो जो भी आपके पास हो। गंगानगर की आप बात करोगे तो चेकलिस्ट इस प्रकार से भरना है आपको एक 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 दो जैसे रीड फॉर्म में कितने पेज होते हैं चार इसमें क्या करना है पहले पेज पे आ जाएगा एक एक दूसरे पे एक दो तीसरे पे क्या आ जाएगा एक तीन इस प्रकार से आपको भरने हैं। पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए जाति प्रमाण पत्र वही है आपका नियम पहले जो भी है पुराना है तब तो दोस्तों एक साल से ज्यादा पुराना शपथ पत्र और नया पुराना है तो भी शपथ पत्र। मूल निवास नया पुराना दोनों ले रहे सौ घोषणा पत्र अलग अलग वाले ले जाना चलेंगे ठीक है। सिरोही के अंदर आपकी जो चेकलिस्ट है वो एक दो तीन चार पांच मतलब रीट फॉर्म पे एक स्क्रूटनी फॉर्म पे दो आधार कार्ड पे तीन इस प्रकार से। पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए और मूल निवास नया पुराना दोनों मांग रहे हैं और सौ घोषणा पत्र है वो एक पेज पे भी चलेगा और अलग अलग ले जाओगे तो भी चलेगा। सवाई माधोपुर की आप बात करोगे तो चेकलिस्ट पे रीट फॉर्म पे एक स्क्रूटनी फॉर्म पे दो आधार पे तीन दसवीं की मार्कशीट पे चार इस प्रकार से। पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए मूल निवास नया पुराना दोनों चाहिए। चूरू की बात आप करोगे तो आपका रीट फॉर्म पे आ जाएगा एक ठीक है स्क्रूटनी फॉर्म पे दो इस प्रकार से। पोस्टल ऑर्डर पक्का चाहिए
जाति प्रमाण पत्र नया पुराना है तो शपथ पत्र और सब घोषणा पत्र एक ही पेज में, मूल निवास शुरू में पुराना चलेगा, नया वैलिड नहीं है, मांगेंगे वो आपसे पुराना। उदयपुर की आप बात करोगे तो चेकलिस्ट 1, 2, 3, 4 वैसे ही रीट पे फॉर्म पे 1 आ जाएगा, स्क्रूटिंग फॉर्म पे 2, आधार पे 3। पोस्ट ऑर्डर चाहिएगा, मूल निवास नया पुराना जो भी हो आपके पास, सब घोषणा पत्र आपके पास एक पेज वाला है तो भी मान्य है, और अलग अलग लेके जाओगे तो भी मान्य। बांसवाड़ा की आप बात करोगे तो बांसवाड़ा के अंदर पोस्टल ऑर्डर और चेकलिस्ट को लेकर मेरे को किसी स्टूडेंट से पता नहीं लगा है, और जब तक मेरे को ये सब बिल्कुल कन्फर्म पता नहीं तब तक मैं आपको ये बताया नहीं, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बता दूंगा, ठीक है। बाकी जाति प्रमाण पत्र नया पुराना वो तो एक ही नियम है, मूल निवास नया पुराना, नया तो शपथ, पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं, सब घोषणा पत्र आप एक पेज वाला रख लेना या अलग अलग ले जाना, दोनों मान्य है। जालौर की बात करोगे तो चेकलिस्ट के ऊपर क्या बना है, रीट फॉर्म में 4 पेज है तो सब पे क्या आएगा 1, 1, 1, उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म पे 2, 2, 2, इस प्रकार। पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए और लेके जाओ तो ठीक है, और मूल निवास है नया और पुराना दोनों ही मान्य है, सब घोषणा पत्र एक पेज पे ले जाओगे तो भी मानेंगे, और अलग अलग लेके जाओगे तो भी। प्रतापगढ़ के अंदर आप बात करोगे तो प्रतापगढ़ के अंदर क्या है, रीट फॉर्म पे 4 पेजों पे 1, 1 आएगा, स्क्रूटनी फॉर्म पे 10 पेज है तो सब पे क्या आएगा 2, 2। पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए और मूल निवास नया पुराना दोनों मान्य है, सब घोषणा पत्र एक ही पेज पे ले जाना। और प्रतापगढ़ के अंदर ध्यान रखना चरित्र प्रमाण पत्र जो दोनों सेटों में 2, 2 लगेंगे ना, एक अंतिम एक तो संस्था का, ठीक है, जो आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारियों से बनवाना है, तो जो आप अलग अलग अगर बनवा रहे हो एक ही साइन करवा लेते हो ना एक पे दोनों के, तब तो दोनों सेटों में क्या लगेंगे वो ओरिजिनल लगेंगे, और अगर आप अलग अलग बनवाते हो अधिकारियों से तो 2-2 सेट हो जाएंगे ना, तो 2-2 में 2-2 लगेंगे, तो 4 ही ओरिजिनल चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे दोनों ओरिजिनल चाहिए प्रतापगढ़ में, आपने एक तो जो रीट स्क्रूटनी फॉर्म में भरा था वो, और उसके जैसा एक और भर लेना, ठीक है। डूंगरपुर में चेकलिस्ट को लेकर मेरे पास न्यूज नहीं आई तो मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। चित्तौड़गढ़ आपको जो चेकलिस्ट है वो इस प्रकार से बननी है, रीट फॉर्म में क्या जाएंगे 1 से लेकर 4 तक, फिर स्क्रूटनी फॉर्म में 5 से लेकर 15 तक, आधार कार्ड पे आएगा 16 नंबर। पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए, नया पुराना मूल निवास दोनों मान्य है, सब घोषणा पत्र एक पेज वाला भी मान्य है और अलग अलग भी मान्य है, ठीक है। उसके बाद हनुमानगढ़ की आप बात करोगे तो हनुमानगढ़ में रीट जो फॉर्म है उस पर क्या आएगा 1A, दूसरे पेज पे 1-2, तीसरे पेज पे 1-3, 1-4, इस प्रकार से, ठीक है। और आगे स्क्रूटनी फॉर्म किससे शुरू होगा 2-1, 2-2, 2-3। पोस्टल ऑर्डर कंपलसरी है यहाँ पे तो, और मूल निवास नया पुराना दोनों तो घोषणा पत्र अलग अलग ले जाने। धौलपुर के अंदर 1, 2, 3, 4 चेकलिस्ट, मतलब रीट फॉर्म पे 1, स्क्रूटनी फॉर्म पे 2, आधार कार्ड पे 3, पोस्टल ऑर्डर चाहिएगा, नया पुराना दोनों मूल निवास है, और एक पेज पे या अलग अलग लेके जाओगे तो भी सौ घोषणा पत्र मान्य है। भरतपुर की आप बात करोगे तो चेकलिस्ट में रीट फॉर्म में तो आ जाएंगे, रीट जो फॉर्म है उसमें 4 पेज हैं तो 4 पे आ जाएंगे 1 से लेकर 4 तक, फिर स्क्रूटनी फॉर्म में 5 से लेकर 15 तक, फिर आधार पे 16, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर चाहिएगा और नया पुराना मूल निवास जो भी आपके पास हो, और एक पेज पे भी चलेगा सब घोषणा पत्र और अलग अलग भी चलेंगे। तो इस प्रकार से लगभग सभी जिलों के, मेरे ख्याल से 2 या 3 जिलों के मेरे से जो भी आपके जो डिटेल है वो छूटी है, बाकी सबका मैंने बता दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपके सभी सब घोषणा पत्र आपको यहां से आप प्रिंट निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा के पेन से भर लेना, आप ले जाना मान्य है। चेकलिस्ट मैंने बता दिया इस प्रकार से भर लेना, ठीक है। यहाँ पे नंबर लगाना मैंने बता दिया, वो यहाँ पे भरने हैं, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट दिया उस प्रकार लगा लेना। पहले पोत आ जाएगा रीट का फॉर्म, फिर स्क्रूटनी फॉर्म, फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फिर 10वीं की, फिर 12वीं की, फिर स्नातक की, उसके बाद में आपका जो है ना रीट पात्रता प्रमाण पत्र, ठीक है। इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट सेट है इसमें कर लेना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपकी लेवल 2 के लिए जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने बता दी है, बाकी और भी कोई भी जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण जो चीज हो सके वो मैं बता दूंगा। बाकी आप और वीडियो जो लेवल 1 से संबंधित थे वो भी आप देख सकते हो, वो आपके जैसे ही हैं, बस जो कुछ रूल है आपके क्या बीएड की डिग्री ले रहे हैं बस, बाकी सारे के सारे सेम रूल है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाना, और कम्युनिटी सेक्शन भी आप जरूर देखते रहा करो, वहां पे भी मैं न्यूज डालता हूँ। धन्यवाद।